As the Gandhi bastion, Amethi gears up for polls on May 7th, the poll heat is already at its peak. Narendra Modi will be taking part in a rally on May 5th and preparations have been on in full swing throughout the day. The UP BJP President Lakshmikant Bajpayee has confirmed that Narendra Modi will campaign for party candidate Smriti Irani in Amethi. He is all set to storm the Gandhi bastion on May 5th. Lakshmikant Bajpayee has expressed confidence that under the BJP, the constituency will see massive development. He said the Congress had hardly done any good for the region. Modi ji ki sabha Gauri Ganj se Musafir Khana Road par शाम को 3 बजे से वो सभा है सम्राट साइकिल के सामने 6 किलोमीटर पर मोदी जी 3:40 पर मंच पर होंगे 4:30 बजे मंच से प्रस्थान कर जाएंगे उस बीच में प्रत्याशी का भाषण मोदी जी का स्वागत और मोदी जी का अमेठी की जनता को संबोधन और मैं ये समझता हूँ मोदी जी के संबोधन पर यदि अमेठी की जनता ने विचार किया तो परिणाम वही आएगा जिसकी संभावना बन गई। लक्ष्मीकांत बाजपेयी अलेज्ड दैट लैंड हैड बीन स्नैच्ड फ्रॉम सम्राट साइकिल कंपनी इन द नेम ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन। सम्राट साइकिल कंपनी की 350 एकड़ जमीन राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर एक्वायर की गई थी आखिर उस जमीन में क्या हुआ है किसानों से जमीन कौड़ियों के भाव पर ले ली गई और उस जमीन पर खेती जो हो रही है वो मूल किसान नहीं कर रहा है इनके लोग खेती कर रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर जमीन को हड़पने का प्रयास सीधे सीधे किया गया है बाजपेयी रीइटरेटेड दैट 60 मंथ्स फॉर द बीजेपी वर इनफ टू चेंज थिंग्स 60 साल में कांग्रेस ने जो कुछ नहीं किया देश भर में भी और विशेष तौर पर अमेठी में रायबरेली में 60 महीने में भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी और अगली बार जब हम 60 महीने बाद चुनाव में जाएंगे तो जनता को हमें बिना मांगे वोट मिलेगा आज प्रदेश में वोट है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर 60 महीने बाद वोट मिलेगा नरेंद्र मोदी के काम पर दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय NNIS